साथियों, अब गणित में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। हम इतना सरल से सरल विधि आपको गणित में बताएंगे कि आज से आपके मन में जो गणित के प्रति भय है वो भय बिल्कुल दूर हो जाएगा। देखिए, आज हम आपके लिए गुणा विषय लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने और इस गुणा को बहुत अच्छे तरह से समझाए थे। आज आधार के निकट जो होता है, जैसे आधार, हम इसमें आधार जो होता है वो 10, 100, 1000 इस तरह से आधार हुआ। इस आधार के निकट अगर कोई संख्या है तो हम उस आधार के निकट वाली संख्याओं का गुणा बहुत सरलता से किस प्रकार से करते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखेगा, सुनिएगा। जैसे हमारे पास कुछ प्रश्न है, 12 × 13, हमारे पास प्रश्न है 12 × 13, इसको हम गुणा किस प्रकार से करेंगे ये देखेंगे। ये आधार 10 के निकट है, आधार 10 की जब निकट है संख्या, अब आधार से 10 से कितना अधिक है हम ये देखते हैं। तो ये आधार से 2 अधिक है और 13 जो है आधार से 3 अधिक है। अब 2 और 3 का गुणा कर देते हैं, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद 12 में से 3 जोड़ो या 13 में से 2 जोड़ो, तिर्यक करेंगे इसको। जब तिर्यक करेंगे तो 13 में 2 जोड़ेंगे 15 होगा और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर 156 प्राप्त हो गया। साथियों, ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 13 × 11, 13 × 11 का देखेंगे। 13 × 11 करेंगे तो ये आधार से कितना अधिक है, 3। ये आधार से कितना अधिक है, 1। तो 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। उसके बाद 13 में 1 अधिक करेंगे या 11 में 3 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 1 = 14, और 11 में 3 जोड़ोगे तब भी 14। इस प्रकार से इसका उत्तर हमको 143 प्राप्त हो गया। अगला देखेंगे, मान लो हम 15 × 12 कर दिए, है ना, 15 × 12 करेंगे तो आधार से कितना अधिक है, आधार से 5 अधिक है, आधार से कितना अधिक है, 2 अधिक है। अब इसका जो अधिक है उसका हम गुणा करके देखेंगे। 5 × 2 कितना हुआ, 10, 10 का 0 हासिल 1 हुआ। उसके बाद 15 में 2 जोड़ो या 12 में 5 जोड़ो तो 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17, और 17 में 1 जोड़ देंगे हासिल जो आया है तो हो गया हमारा 18। तो उत्तर हो गया हमारा 180। इसी प्रकार से और प्रश्न देख लेते हैं। 14 × 11, 14 जो है 10 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, और 1 कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 4 × 1 = 4। अब उसके बाद 14 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 15। इस प्रकार से हम बहुत सारे प्रश्न अपने घर में और कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो YouTube पर मानिक अमर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये प्रश्न गणित के जो मन में भय बैठा हुआ है वह भय सबको दूर हो। और यह वीडियो सब शेयर कीजिएगा, चाहे वह चीन परिचित हो, रिलेशनशिप हो, या कोई स्टूडेंट हो, कोई सर हो, सब अभिभावक हो, सबको शेयर कीजिए, जिससे यह गणित जो है सरल से सरल बनाने में सबको सहूलियत हो। YouTube पर मालिक राम वर्मा लिखेंगे तो आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हम जितना भी वीडियो आप बना रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में।